नमस्कार, मैं हूं पुष्पा चौधरी। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। आपने चीन को भारत के सामने आंख उठाते तो देखा ही होगा। बार बार कांग्रेस के राज में चीन ने वो सब कुछ किया जिसे हम भुला नहीं पाए हैं, चाहे वो 1962 का युद्ध हो या फिर बार बार पाकिस्तान की मदद कर हमारे यहाँ आतंक फैलाना। लेकिन चीन ये भूल गया कि दिल्ली की कुर्सी पर अब शेर बैठ गया है। ड्रैगन अब आंख भी दिखाता है तो दिल्ली में बैठा शेर उसके फन को कुचल देता है। अगर कोई विपक्ष प्रेमी बैठा होगा और हमारी खबर को देख रहा होगा तो उसकी नजर में हम भगवावादी दिख रहे होंगे, क्योंकि हम सच दिखा रहे हैं। और सच जब पचता नहीं है तो मीडिया भगवावादी और नमो दीवानी दिखने लगती है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें आपको वाकई पता चलेगा कि ओछा कद रखने वाले चीन की ओछी हरकत के बदले कैसे मोदी ने 56 इंच पहाड़ खड़ा किया है। आपसे गुजारिश है कि ये खबर पूरा देखें, नहीं तो आप भी हमें संगी भाजपाई और दलाल बोलेंगे। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। आपको याद होगा और इतिहास के काले पन्ने में भी 1962 की लड़ाई के काले पन्ने दर्ज हैं, जब चीन ने हमें सांस लेने तक का मौका नहीं दिया था। लेकिन अब समय बदल गया है, या यूं कहें सत्ता बदल गई है। अब दिल्ली की सरकार इडली से नहीं बल्कि दिल्ली से चल रही है। आप भी सोच रहे होंगे हम किसी खास पार्टी पर वार कर रहे हैं, लेकिन जब बात सच की आती है तो ओनली न्यूज 24x7 कोट पैंट पहनकर पत्रकारिता करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारता है। और पत्रकारिता का हमारा ये अंदाज हमें खुद सुखद अनुभव देता है। हमें बखूबी पता होता है कि हम सच्चे भारतवासी की बात कर रहे हैं। और आपको हम आज नरेंद्र मोदी को हीरो बता रहे हैं। जी हाँ, नरेंद्र मोदी हीरो हैं। 56 इंच सीने वाला ये इंसान हमारा हीरो है, क्योंकि ये चीन के आगे नाक रगड़ने वाली सरकार नहीं चलाता, बल्कि एक बंकर बस टूट जाने पर ये अपने सेना प्रमुख को सीधा चीन की गरेबा में हाथ डालने का आदेश दे देता है। आगे की रिपोर्ट में जरूर देखें, क्योंकि उसमें हम बताएंगे कि कैसे मोदी एटम बम के युग में चीन पर सेना भेजने को तैयार हैं। अगर आपको हमारी बात 1% भी झूठी लगती है तो आप हमारे खिलाफ केस दर्ज करा सकते हैं। लेकिन आप हमारी अगली रिपोर्ट जरूर देखें। चीन एक ऐसा देश है जो भारत को नीचा दिखाने के लिए हरदम पाकिस्तान को पावर देता आया है। लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ है जिससे पाकिस्तान का तथाकथित पापा यानी फादर ड्रैगन भारत के सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है। जी हाँ, अब दिल्ली की कुर्सी पर जो बैठा है उसके खौफ से चीन का दम घुट रहा है। आप हमारी अगली रिपोर्ट में देखेंगे कि आखिर कैसे मोदी ने चीन के सामने ऐसी स्थिति पैदा कर दी जिसे चीन ना तो निगल पा रहा है और ना ही उगल पा रहा है। कुल मिलाकर कहें तो चीन भारत को पापा मानने को भी तैयार है, और इसके पीछे केवल एक इंसान है और वो है पीएम मोदी। एक जहां कांग्रेस इतने सालों तक चीन को बाप बना के रखी थी, वहीं नमो के जादू ने चीन को भारत का बेटा बना दिया। और आज भारत ने अपने बेटे चीन को जैसे चाहे वैसे ट्रीट कर रहा है। मोदी के हाथों में चीन की ऐसी नस हाथ लगी है जिसे दबाते ही चीन कहता है पापा माफ कर दो, अब गलती नहीं करूंगा। आज की तारीख में चीन मोदी से रोते हुए कह रहा है माफ कर दो, और मोदी का जो जवाब आ रहा है उसे आप अगली रिपोर्ट में देखेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। या अल्लाह, मुझे बचा ले। ऐ खुदा, तूने मोदी को क्यों भेजा? अपने कांग्रेसी भाईजान लोग ही ठीक थे। ये बात तो आज पाकिस्तान बोल रहा है, और पाकिस्तान की आवाम सहित वहाँ की सत्ता मशीनरी भी दुआ कर रही है कि सन 2019 में राहुल गांधी, लालू, मुलायम या भूले भटके केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री बन जाएं। लेकिन मोदी सरकार ने आज एक ऐसा काम कर दिया है जिससे चीन कह रहा है मुझसे एटम बम भी ले लो, क्योंकि अब हम उसे तुम पर चला नहीं सकते। जी हाँ, चीन को खून के आंसू रुलाने का काम मोदी सरकार ने कर दिया है, और उसका प्रूफ भी है हमारे पास, वो हम आपको दिखाएंगे भी। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि कांग्रेस सरकार में आंख दिखाने वाले चीन की दबी कुचली आंखों को मोदी ने फोड़ दिया है। अब चीन अंधा हो चुका है। हम आपको बता दें, कुछ ही दिन पहले ही चीन ने बॉर्डर पर भारत के बंकर पर क्रेन चलवा दी थी। फिर क्या, दिल्ली तक खबर पहुंचने के बाद नमो सरकार ने सेना प्रमुख को बॉर्डर पर भेज दिया, वो भी सेना के लाव लश्कर के साथ। उसके बाद रविवार को जो खबर आई उसने भारत के हर देश प्रेमी की आंखों में खुशी के आंसू भर दिए। और वो ऐसी खबर है जिसे आप सुनेंगे तो यही कहेंगे, नमो यानी मोदी तू किस मिट्टी का बना है,
तूने एक गेम में चीन को हजारों बार हरा दिया। जी हाँ, मोदी चीन से युद्ध को तैयार हैं और उसका पूरा मास्टर प्लान बनकर तैयार है। आप देखें कि कैसे चीनी छोटे कद के सैनिकों के सामने भारत के 56 इंच रणबांकुरे तैयार हैं और चीनी सेना गिड़गिड़ा रही है। आपको अगली रिपोर्ट में दिखाएंगे कि कैसे मोदी ने आज अपनी सेना चीन में भेज दी और चीन चाहकर भी इंडियन आर्मी को छू नहीं पा रहा है। देखिए अगली रिपोर्ट को देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि कमेंट्स में हमें संगी भाजपाई और मोदी दलाल ना बोलें। हम ये शब्द उन लोगों के लिए बोल रहे हैं जिन्हें अपने पैदा होने पर भी शक लगता है और डीएनए टेस्ट की बात करते हैं। हमारी इस स्क्रिप्ट में आपको गुस्सा दिख सकता है, लेकिन यहाँ भी हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं बल्कि सच की तह तक जा रहे हैं। और हाँ, यदि आपको हमारी खबर अच्छी लग रही हो तो आपसे अनुरोध है कि कृपया करके कमेंट्स बॉक्स में बताएं कि हम ऐसी पत्रकारिता जारी रखें या फिर हम भी औरों की तरह चुप होकर बैठ जाएं। चलिए अब हम आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत की सेना मोदी के इशारे और अजीत डोभाल की नीति पर आगे बढ़ी है और चीन से युद्ध के लिए कमर कसकर तैयार है। और हम ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि ये सिर्फ युद्ध की तैयारी नहीं है बल्कि युद्ध शुरू भी हो चुका है। देखिए ये रिपोर्ट। अब हम आपको जो जानकारी देने जा रहे हैं उसके बाद आपके दिल में सन 14 के बाद से आई सरकार पर गर्व महसूस होगा और आप भी नमो नमो करते नजर आए तो अपने आप को आप मोदी भक्त नहीं बल्कि देशभक्त कहें। जी हाँ, वाकई ये खबर कुछ ऐसी ही है। भारत ने सिक्किम के पास से एक इलाके में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए और अधिक सैनिकों को नॉन कॉम्बैटेंट मोड में लगाया है, जहां करीब एक महीने से भारतीय सैनिकों का चीनी जवानों के साथ गतिरोध बना हुआ है और यह दोनों सेनाओं के बीच 1962 के बाद से सबसे लंबा इस तरह का गतिरोध है। चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA द्वारा भारत के दो बंकरों को तबाह किए जाने और आक्रामक चाले अपनाए जाने के बाद भारत ने और अधिक सैनिकों को लगाया है गैर लड़ाकू मोड या नॉन कॉम्बेटिव मोड में। बंदूक की नाल को जमीन की ओर रखा जाता है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच गतिरोध से पहले के घटनाक्रम का पहली बार ब्यौरा देते हुए सूत्रों ने कहा कि PLA ने गत 1 जून को भारतीय सेना से डोका लाके लालटेन में 2012 में स्थापित दो बंकरों को हटाने को कहा था, जो चंबी घाटी के पास भारत भूटान तिब्बत ट्राइजेक्शन के कोने में पड़ते हैं। कई साल से इस क्षेत्र में गश्त कर रहे भारतीय सेना ने 2012 में फैसला किया था कि वह भूटान चीन सीमा पर सुरक्षा मुहैया कराने के साथ ही पीछे से मदद के लिए दो बंकरों को तैयार रखा जाएगा। सूत्रों ने कहा कि भारतीय सेना के अग्रिम मोर्चे ने उत्तर बंगाल में सुकना स्थित 33 कोर मुख्यालय को चीन द्वारा बंकरों को दी गई चेतावनी के बारे में सूचित किया था। हालांकि सूत्रों ने कहा कि 6 जून की रात को दो चीनी बुलडोजर ने बंकरों को तबाह कर दिया और दावा किया कि यह इलाका चीन का है और भारत या भूटान का इस पर कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि तैनात भारतीय सैनिकों ने चीनी जवान और मशीनों को इलाकों में घुसपैठ करने और अधिक नुकसान पहुंचाने से रोक दिया। टकराव वाली जगह से करीब 20 किलोमीटर दूर स्थित पड़ोस के ब्रिगेड मुख्यालय से अतिरिक्त बलों को 8 जून को भेजा गया, जिस दौरान झड़प की वजह से दोनों पक्षों के सैनिकों को मामूली चोटें आईं। इलाके में स्थित PLA के 141 डिवीजन से उसके सैनिक पहुंचने लगे। उसके बाद भारतीय सेना ने भी अपनी स्थिति को मजबूत किया। भारत और चीन की सेनाओं के बीच 1962 के बाद से यह सबसे लंबा गतिरोध है। पिछली बार 2013 में 21 दिन तक गतिरोध की स्थिति बनी थी, जब जम्मू कश्मीर के लद्दाख में दौलत बेग ओल्टी क्षेत्र में चीनी सैनिकों ने भारतीय सीमा में 30 किलोमीटर अंदर डेप सांग पेलेंसी तक प्रवेश कर लिया था और इसे अपनी शिनजियांग प्रांत का हिस्सा होने का दावा किया था, हालांकि उन्हें वापस खदेड़ दिया गया। सिक्किम मई 1976 में भारत का हिस्सा बना था और एकमात्र राज्य है जिसकी चीन के साथ एक निर्धारित सीमा है। ये सीमा रेखा चीन के साथ 1898 में हुई एक संधि पर आधारित है। उन्नीस सौ बासठ के भारत चीन युद्ध के बाद जिस इलाके में भारतीय सैनिक तैनात थे उसे भारतीय सेना और ITBP के हवाले कर दिया गया।
ITBP का एक शिविर अंतर्राष्ट्रीय सीमा से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष की स्थिति आने के बाद भारतीय सेना ने मेजर जनरल रैंक के एक अधिकारी को इलाके में भेजा और चीन के अधिकारियों के साथ फ्लैग वार्ता का प्रस्ताव रखा गया। चीन ने भारत की तरफ से ऐसे दो आग्रहों को खारिज कर दिया, लेकिन बैठक की तीसरी पेशकश को स्वीकार कर लिया गया। इस बैठक में चीन की सेना ने भारतीय फौज से लालटेन इलाके में अपने जवानों को वापस बुलाने को कहा, जो डोकाला में पड़ता है। सूत्रों ने बताया कि गतिरोध के मद्देनजर चीनी सैनिकों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाने वाले 47 यात्रियों के पहले जत्थे को जाने से रोक दिया। उन्होंने भारतीय पक्ष में यह भी कहा कि एक जत्थे में शामिल 50 लोगों का वीजा भी निरस्त कर दिया गया है। तिब्बत में स्थित कैलाश मानसरोवर के लिए सिक्किम वाला रास्ता 2015 में खोला गया था, जिससे तीर्थयात्री नाथुला से 1500 किलोमीटर लंबे रास्ते पर बसों में जा सकें। डोकाला में पहली बार इस तरह की घुसपैठ नहीं हुई है। चीन के सैनिकों ने नवंबर 2008 में भी वहां भारतीय सेना के कुछ अस्थायी बंकरों को नष्ट कर दिया था। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि चीन चंबा घाटी पर अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है, जो तिब्बत के दक्षिण हिस्से में है। डोकाला इलाके पर दावा करके बीजिंग अपनी भौगोलिक स्थिति को व्यापक करना चाहता है, ताकि वह भारत भूटान सीमा पर स्थित गतिविधियों पर निगरानी रख सके। चीन ने भारत पर कूटनीतिक दबाव भी बढ़ाया है और सिक्किम क्षेत्र में भारतीय सैनिक द्वारा कथित रूप से सीमा पार करने को लेकर विरोध दर्ज कराया है। हम आपको बता दें कि डोकाला उस क्षेत्र का भारतीय नाम है जिसे भूटान डोकालम कहता है। वहीं चीन इसे डोगलांग क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। वीडियो एडिटर पुष्पांजलि दास के साथ सौरभ मिश्रा, ओनली न्यूज 24x7 टीम, दिल्ली। तो देखा आपने नमो सरकार किस तरह से तैयार है। अब इस खबर को देखने के बाद यदि कुछ लोग हमें संगी और मोदी भक्त बोलेंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओनली न्यूज का काम है सच की तह तक जाना, तो हम जा रहे हैं और उन लोगों से जिन्हें ये खबर पसंद आई है उनसे गुजारिश है कि कृपया करके इस खबर को जरूर शेयर करें, क्योंकि यदि आप इस खबर को शेयर करेंगे तो सन 2019 में भारत में एक ऐसी मजबूत सरकार का गठन होगा जिसे देखकर विरोधी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद विरोध के लिए सिर्फ और सिर्फ चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मन देश ही रह जाएंगे, जिसको खत्म करने की रणनीति आज से ही शुरू हो चुकी है। तो जाते जाते आपसे अनुरोध है कि कमेंट्स में बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारा चैनल भी अभी सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। ओनली न्यूज 24x7 सच की तह तक।